कांग्रेस के दिग्गज नेता ने दिया बड़ा बयान, और ये बड़ा बयान जो है अपनी पार्टी के अध्यक्ष को लेकर तो दिया, ज्योतिराय सिंधिया को लेकर भी दे दिया और बता दिया कि ज्योतिराय सिंधिया मध्य प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। कौन है कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, जिनसे कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पहले जब सवाल किया गया और ये भी कहा गया कि कमलनाथ जो हैं एक बुजुर्ग नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो कमलनाथ क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो क्या कुछ सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, ये सुन लीजिए। हमारे नेता कमलनाथ जी का नाम है, पर कांग्रेस के आम जन की भावना नेहरू गांधी परिवार के साथ जुड़ी हुई है। वो नेहरू गांधी परिवार जिसने स्वतंत्रता के संग्राम में अपनी महती भूमिका निभाई और जब देश आज़ाद हुआ तब भी नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने अपना बलिदान इस देश के एकता अखंडता के लिए दिया है, तो कांग्रेस आम जन की मानसिकता और जुड़ाव आज भी नेहरू गांधी परिवार के साथ है। वो चाहते हैं कि प्रियंका जी राहुल जी बने। कमलनाथ को लेकर तो ये बात कही, लेकिन अब बात आती है पार्टी के पुराने साथी की, पार्टी के पुराने बड़े नेता की। जी हाँ, बात ज्योतिराय सिंधिया की। जब बात ज्योतिराय सिंधिया की निकली, सज्जन सिंह वर्मा उस पर बेबाक बोलते हुए नजर आए और बात निकली इस बात को लेकर, क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश की सियासत में ये चर्चा होती रहती है, क्या ज्योतिराय सिंधिया आगे जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बीजेपी आलाकमान उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है क्या? तो इस पर सज्जन सिंह वर्मा का ये कहना था कि बीजेपी के काम करने का जो तरीका है उसके हिसाब से तो सिंधिया जो है वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। नहीं, मैं जितना बीजेपी के निर्णयों को पहचानता हूँ, आरएसएस के दबाव में जो निर्णय लेती है, मुझे नहीं लगता कि पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई आदिवासी आ सकता है, इस तरह के नाम आ सकते हैं। इस तरह के सिंधिया जी जैसे लोगों को पचा पाना बीजेपी के लिए शायद बड़ा मुश्किल है। सिंधिया के मुख्यमंत्री ना बनने को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने। आपको बता दें कांग्रेस के नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा, और प्रदेश के पुराने नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे सज्जन सिंह वर्मा, कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं सज्जन सिंह वर्मा। सज्जन सिंह वर्मा अपने बयानों के कारण भी अक्सर चर्चा में रहते हैं, कई बार वो ऐसे बयान दे देते हैं जो विवादित बयान की श्रेणी में भी आ जाते हैं। इस बार चूंकि मामला उनकी पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल का था, चूंकि कमलनाथ के करीबी हैं तो कमलनाथ का नाम तो लिया उन्होंने, लेकिन ये भी कह दिया कि राहुल गांधी को लेकर लोगों की आस्था है पार्टी कार्यकर्ताओं की, और गांधी परिवार के प्रति अभी भी कार्यकर्ता आस्था रखता है, लेकिन ज्योतिराय सिंधिया पर निशाना साधना नहीं चूके। ज्योतिराय सिंधिया को लेकर जरूर कह दिया कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आप देखते रहें अभी तक।